अस्सलाम वालेकुम, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं थोड़े से बाल बढ़ा रहा हूँ और अभी मैं लंच करने आया हूँ नरवाल। नरवाल में एक जगह है, काफ़ी फेमस जगह है ये, मुझे नहीं पता आपको पता होगा या नहीं होगा। मैं कैमरा स्विच करके आपको दिखाता हूँ उस जगह को। वो मेरे सामने ही है, उसके सामने ही मैं बैठा हूँ। स्विच कैमरा, ये है वो जगह, इसको तंदूरी बाइट्स इसका नाम है, हलाल ढाबा। काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे है, मैं काफ़ी बार यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार होता है, तो अभी हमने डिसाइड किया कि आज हम लंच यहीं करेंगे। जो मेरे साथ आए, मेरे मामू आए और मेरा भाई है, वो अंदर चले गए, लेकिन मैं अभी बाहर ही हूँ, तो मैं अभी अंदर जाऊँगा और फिर हम टेस्ट करेंगे। मुझे अभी याद नहीं है मैंने शायद कौन सा क्या खाया है। चिकन ही खाया है मैंने, लेकिन अभी देखते थोड़ा क्या चेंज हुआ है या ज़्यादा मज़ेदार बना है, देखते वो अंदर जाके पता चलेगा, खा के पता चलेगा। तो चले अंदर चलते हैं। ये दरवाज़ा हमारा वेलकम कर रहा है, दो फ्लोर हैं इसके, काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी तो नहीं है, ऊपर जाएंगे हम, अक्सर हम ऊपर ही खाते हैं। वो ऊपर बैठे हुए हैं पहले से ही, अभी उन्होंने वो है, बहुत ही मुझे लगता है अच्छी जगह उन्होंने चुनी है, लेकिन उसमें वो शायद दिखेंगे नहीं हेलमेट पे। ये तैयार बैठे हमारे लोग, कैसा लग रहा है हेलमेट पहन के? बहुत बढ़िया है। आवाज नहीं आ रही है, ये सिस्टम देती है, ये प्रोटेक्शन है। यहाँ पे जो रिश्ते हैं वो छत से कूद के आ सकते हैं, सर पे गिर सकते हैं। इधर हम बहुत पहले आते थे, बहुत पहले, मतलब लाइट नहीं आ रही है, यहाँ से थोड़ी लाइट आएगी मेरे चेहरे पे। और यहाँ का खाना बड़ा ही मज़ेदार होता है, अगर आपको विजिट करना हो तो आप आ सकते हैं नरवाल में, ट्रक अड्डा या उसके सामने एक क्या, इसके सामने एक क्या वाला पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने ही है ये तंदूरी बाइट्स, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, अक्सर कश्मीरी आते हैं। और अभी मैं मेन्यू देख रहा हूँ, मेन्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेन्यू है, इससे आप हवा भी कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट है ये। मंगवाते हैं कुछ, फिर देखते हैं जब आएगा, फिर खाते हैं दिखाते हैं। बटर चिकन हमने ऑर्डर किया, बटर चिकन फुल 600 का आता है और हाफ 300 का आता है। और मुझे लगता है हमने पहले भी बटर चिकन मैंने खाया है, लेकिन हम 300 में ही खाते थे, आज थोड़ा बजट बढ़ गया है क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ। ये 600 का ले रहे हैं बटर चिकन, हाँ नहीं तो फिर हम उसका टेस्ट देखेंगे, आपको भी बताएंगे यहाँ का टेस्ट। वैसे मैंने खाया है तो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने सोचा था आज मैं कुछ और ट्राई करूँगा, लेकिन इन्होंने बटर चिकन मंगवाया है, उसके साथ बटर नान होंगे, 35 रुपये के आते हैं, तो उसका भी बटर नान, मुझे नान बहुत पसंद है, लेकिन बटर वाले। काफ़ी कुछ है इसमें रेट, मैं बताता हूँ, गुस्ताबा है, रिश्ता है, रोगन जोश, यखनी, मिर्ची कौरमा, नली पीस भी है, मेथी माज। हमारा स्टार्टर आ गया है, पर मैं ये नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो बैठे वो गर्दा उड़ाएंगे इसका, थोड़ा सा इंतज़ार टाइम लगता है उसमें। बटर नान हमने 4 ऑर्डर किए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दो ही करोगे तो उसमें टाइम लगता है बनने में, फिर से करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हमने एक साथ 4 किए। वैसे एक बटर नान में 2 हिस्से होते हैं, 2 पीस ये डालते हैं, तो अभी आने दो, अभी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा नान और ये बटर चिकन। भैया क्या भैया, नान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये कितने नान है? 4 नान। 4 नान बटर चिकन, अभी हम अपने अपने प्लेट में डालेंगे। 600 का इतना, 300 का हाफ आता है। अभी मैं वाज बन रहा हूँ कॉशर पर, बहुत ही बढ़िया बड़ा पीस है ये डाला पहला पीस, थोड़ा सा बटर इसमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी तो इसको बटर चिकन कही। इधर इधर की तरफ दिखाइए, हमारा वेट नहीं कर रहे, सीधे झपट पड़े, टूट पड़े। ये अभी मेरी बारी, मैं अपने लिए एक स्पेशल बढ़िया टंगड़ी, बटर को मिक्स करके अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ।
इसको इधर रख के साइड में, ये नान उठाया यहाँ से बिस्मिल्लाह करके, पीछे से नान बड़ा खराब। एक नंबर सही चॉइस है। मैं कोल्ड ड्रिंक रखते है ना, बहुत बढ़िया। बस थम्स अप ना ना, एक ही पैंतीस वाला। जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते। नान खत्म हो गए, अब शायद टिश्यू से काम चलाना पड़ेगा। निकालो निकालो एक एक टिश्यू। भैया सिंपल रोटी लेना। इतनी छोटी थम्स अप भाई, पैंतीस वाली नहीं थी यही बोला, पैंतीस वाली, पैंतीस वाली इसी को बड़ा कर। और रोटी जो लिया जल्दी से। मैं वापस ले जाओ, हमने नहीं मंगवाया था ये किसी का, इस हमारे टेबल पे आ गया, इसको वापस दे। मैं कुछ अभी 600 तो है नहीं अपने पास, देखते हैं कितने टाइम हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे। लगता है पूरा दिन भी लग सकता है वो 600 मुकाने के लिए, बात करेंगे हम उनसे। गुड इन्वेस्टमेंट इन किसी शहद गेसन मजदार यम से असल बस गेस हो अगर आसन तो पता था ताजी के होने वाला फिजिकल आसन तो क्यों है तो ये तो वैसा दावा का कच्ची थी वो तो ये सुन चीज रही है। बेस्ट कॉम्बिनेशन चिकन के साथ ड्यू, नान वान मत लो सीधे ड्यू मंगवाओ, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत मजा आता है। आज का लंच हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं छोड़ा। ये क्या हुआ, 600 रुपए का मजा इस 35 रुपए से इतनी दिलाया हमें। चिकन खा रहे हो तो ड्यू साथ लेनी है, और मुझे लगता है अभी 10-15 मिनट में हमारी लड़ाई होने वाली है कि जब ये पैसे मांगेंगे अभी बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, हम कसरत वसरत करेंगे। आज का लंच फिनिश हो गया है, मैं क्या कहते हैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा ना खाना चाहिए कि फिर इंसान चल भी ना पाए। शुक्र है मेरे पास टू व्हीलर है, वरना मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और हमारे चैनल को शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।